जय श्री राम। रिद्धि सिद्धि दर्शकों को, रिद्धि सिद्धि प्रवाह के दर्शकों को मेरा शत शत अभिनंदन, वंदन, प्रणाम, नमस्कार। साथियों, मुझसे बहुत लोगों ने प्रार्थना की, निवेदन किया, बड़ों ने आदेश दिया कि आप कुछ समस्याओं को लेकर आइए। इस संसार सागर में नाना प्रकार की समस्याएं लोगों के पास हैं। मैंने उनके कहने से कई वीडियो पहले डाले भी थे, उसका अच्छा फल भी मिला। आज मैं जिस मंत्र को लेकर आया हूं, जिस चौपाई को लेकर आया हूं, वो है हृदय रोग। हृदय रोग एक ऐसा रोग है जो मनुष्य को एक बार कपा देता है, हिला देता है, डरा देता है। बहुत लोगों को आए दिन शिकायत करते हैं, दाएं सीने में दर्द हो रहा है, बाएं में दर्द हो रहा है, हृदय कमजोर है, जरा सी बात सुन लेते हैं घबराहट होने लगती है। हृदय रोग वो भी हृदय रोग के अंतर्गत है। कंपन होने लगता है, परेशान हो जाते हैं, बहुत लोगों को हार्ट अटैक वगैरह पड़ जाते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी मानसिक रूप से ही बड़ा क्षीण कमजोर हो जाता है। बस उस समय केवल दो ही चीजें काम करती हैं, पहली दुआ और दूसरी दवा। दवा और दुआ दोनों ही अद्भुत हैं, दोनों ही अपना काम करती हैं। चलिए, तो क्यों ना हम तैयारी पहले से रखें अपने उस परब्रह्म परमात्मा, अपने उस इष्ट के माध्यम से, कि जब डॉक्टर भी कहता है अब केवल और केवल उसका ही सहारा है, तो हम क्यों ना उससे पहले से परिचित हो जाएं। आज मैं आपको जिस चौपाई का पाठ करने की सलाह दे रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, वो हृदय रोग के लिए रामबाण है। रामबाण अचूक रामबाण है, जिस रामबाण को काटा ही नहीं जा सकता। साथियों, करना केवल इतना है, राम दरबार का वो चित्र जिसमें हनुमान जी भी हो, राम का पूरा परिवार हो, कम से कम राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी हो, उसके सामने हाथ जोड़िए, संभव हो दीपक जलाइए, न संभव न जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, संभव हो न संभव हो न जलाइए। अगर स्नान किया है, पूजा करना है, अच्छी बात है, यदि नहीं तो भी आप एक बार प्रणाम कीजिए। और प्रणाम करने के बाद बस एक बात ध्यान रखिएगा, इस चौपाई को भगवान के समक्ष कम से कम 11 बार कहें अवश्य, उसका पाठ करें। अधिक हो सके कोई सीमा नहीं है, जितना आपके पास समय है समय के अनुसार। यदि आप पूजा नहीं कर रहे हैं, कहीं अपने कार्यालय में हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं, यात्रा में हैं, इस चौपाई को जाप करते रहिए, देखिए ना फिर क्या होगा। इस चौपाई, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके हृदय में निवास करेंगे। और एक बात बता दें, जब वो निवास करेंगे तो फिर आप मान के चलिए कि वो हैं किसके हृदय में, वो हनुमान जी के हृदय में हैं। और साक्षात हनुमान जी प्रवेश करेंगे राम, लक्ष्मण, सीता के साथ। और निश्चित रूप से जहां हृदय में भगवान बैठे हों, राम, लक्ष्मण, सीता बैठे हों, बजरंग बली बैठे हों, जिन्हें को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, साक्षात जब विद्यमान होंगे तो पीड़ाएं, दर्द, तकलीफ तो ऐसे छूमंतर हो जाएगी जैसे सूर्य को देखते ही अंधेरा गायब। बस एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि आप जिस समय इस चौपाई का पाठ करें, बोझा मत डाले, भावुक होकर, तल्लीन होकर, भगवान को समर्पित होकर इस चौपाई का पाठ कीजिए। लीजिए, मैं चौपाई आपके समक्ष पढ़ता हूं। यह वर मांगो हूं कृपा निकेता, यह वर मांगो हूं कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। 11 बार कहिए तो अर्थ देख लीजिए। यह वर मांगो हूं, ये वरदान मांग रहा हूं भगवान। लक्ष्मी नहीं मांग रहा, पैसा नहीं मांग रहा, संपत्ति नहीं मांग रहा, मुकदमा विजय नहीं मांग रहा, मैं तो केवल एक बात कह रहा हूं, यह वर मांगो हूं। अरे कृपा निकेता, कृपा निकेता, हे कृपा के निकेत, हे कृपा के भवन, हे कृपा सागर, हे दीन बंधु, क्या बसहु हृदय श्री अनुज समेता। हमारे हृदय में आकर बस जाओ, हमारे हृदय में प्रवेश करो, हमारे हृदय में निशिवासर रहो। बसहु हृदय, कैसे, अकेले नहीं, बसहु हृदय श्री, जो लक्ष्मी स्वरूपा सीता है, बसहु हृदय श्री अनुज समेत, अनुज छोटा भाई अर्थात लक्ष्मण समेत आकर निवास कीजिए
हमारा कल्याण कीजिए लीजिए, जब आपके हृदय में भगवान राम लक्ष्मण सीता का प्रवेश है, जिसका राम रक्षक जब वो पास में है, क्या करेगा दुनिया का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, आपके हृदय की रक्षा होगी, आपकी रक्षा होगी। उस परम परम परमात्मा के एक बार प्रेम से बोलते हैं भक्तवत्सल भगवान की जय। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।